हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो अपनी होने वाली है रसिया से रिलेटेड, क्योंकि अभी बहुत सारा काम चल रहा है, लोग जा रहे हैं रसिया, एजेंट भी भेज रहे हैं। मेरे पास भी काम था, मैंने भी कई बंदे भेजे यहाँ से, आर्मेनिया से और इंडिया से। देखो, मैं कभी भी कोई भी कंट्री का काम लाता हूँ आपके लिए, तो सबसे पहले मैं उसके लिए एक वीडियो बना देता हूँ, ताकि आपको पता होना चाहिए आप किस कंट्री में जा रहे हो और किस तरह से आपको वहाँ सर्वाइव करना है। ये सारी चीज़ें मैं कभी भी झूठ बोल के किसी को नहीं भेजता हूँ। मैंने रसिया पर पहले भी एक वीडियो बनाया था, तो उस टाइम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और अभी मेरे पास क्योंकि मैंने बंदे भेजे तो उन्होंने ग्राउंड रियलिटी मुझे बताई क्या क्या है और किस तरह से आप वहाँ काम कर सकते हो, विजिट टू वर्क होता है नहीं होता है, और आगे यूरोप में मूव होने के क्या चांस हैं। तो यही सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा, कितना खर्चा आएगा आपका, जॉब कौन सी रहेगी वहाँ पर, और क्या आपके लिए सही है वहाँ जाना या नहीं। तो इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे, वीडियो देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रसिया। रसिया एक यूरेशिया कंट्री है ना, ये यूरोप के करीब है। इसका बॉर्डर आपका लगता है यूक्रेन से, बेलारूस से, और तुम्हारा नॉर्वे से, जॉर्जिया से, उधर पास में टर्की भी है और मोल्डोवा भी पास में ये, और मंगोलिया। तो ये यूरेशिया में है, यूरोप के करीब है और एशिया में है, ठीक है। तो ये कंट्री यूरोप में नहीं है। तो आप रसिया कैसे जा सकते हो? देखो, इंडियन है अगर आप, तो आपको रसिया ई वीज़ा प्रोवाइड करता है, जो कि 14 दिन का स्टे मिलता है। एक होता है 28 दिन का स्टे वाला स्टिकर वीज़ा, और एक 90 डेज़ का भी स्टिकर वीज़ा होता है, 6 मंथ का मल्टीपल एंट्री होता है, और एक 1 ईयर का। तो अगर आपको घूमने जाना है, सिर्फ ट्रैवल करने जाना है, तो आप 28 दिन वाला स्टिकर वीज़ा या फिर ई वीज़ा ले कर भी जा सकते हो। लेकिन हम जॉब्स के बारे में बात करेंगे, तो आप अगर ई वीज़ा लेके जाते हो, मान लो रसिया 10-12 हज़ार रुपये का मिल जाता है किसी एजेंट से लेते हो, या अगर आप खुद से निकाल सकते हो, देखो भाई कोई भी काम खुद से करोगे तो वो सस्ते में ही होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये अगर आप ई वीज़ा चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भी दे दूँगा आपको, नहीं तो किसी और से निकलवाओगे 10-12 हज़ार में आपको मिल जाता है, जिसमें आप 14 दिन तक लीगली रह सकते हो वहाँ पर। तो वीज़ा आपने ले लिया, अब आपको जाना कैसे? देखो, रसिया के लिए आपको कई एयरलाइन मिलती, लेकिन आपको सिर्फ एरोफ्लोट एयरलाइन का ही टिकट बनाना, वो भी सेम पीएनआर, डमी टिकट नहीं चलेगी, और किसी भी कीमत पर आपको जाने नहीं देंगे। और दिल्ली से तो जाओ ही मत, रसिया जा रहे हो या किसी भी कंट्री में विजिट पर जा रहे हो, मैं तो यही बोलूँगा, ठीक है। बाल बड़े बड़े हो गए, तो आपने टिकट दोनों साइड की सेम पीएनआर करा ली, एरोफ्लोट एयरलाइन की ही लेना, क्योंकि वो रशियन एयरलाइन है, उसके अलावा कोई सी भी एयरलाइन मत लेना। आपको एक इंश्योरेंस चाहिए और अपनी पेड होटल बुकिंग। अगर आपका 14 दिन का वीज़ा है, मान लो 10 दिन आपको स्टे करना है, तो 5 दिन की मॉस्को में ले लो और 5 दिन की किसी दूसरे सिटी में, और पेड होटल बुकिंग ले लेना विद इनवॉइस, जो पैसे कटते हैं उसके साथ में। अभी आप वहाँ पहुँच गए, अगर आपको जॉब करना है तो उसका भी मैं बता देता हूँ। अगर घूमने जाना है तो इस तरह से आप घूम कर आ सकते हो वापस। अगर आपको काम करना है तो आप विजिट पर गए वहाँ, आपको वहाँ पर ब्रोकर ढूंढना है जो आपकी जॉब लगवा सके। बहुत बंदे हैं, मेरे पास भी कई कॉन्टैक्ट हैं, अगर आप रसिया में हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा। लेकिन वहाँ पर ब्रोकर मनी ज़्यादा है कंपेयर टू आर्मेनिया, क्योंकि वहाँ सैलरी भी ज़्यादा है, सैलरी भाई बात करेंगे आप। तो आपको वहाँ पर डॉलर लेके जाना अपने साथ में, सो मनी के लिए कम से कम आपके पास 60,000 से 70,000 रुपये के डॉलर होना चाहिए, 800-900 डॉलर, क्योंकि वहाँ आपको अपने आप ही सारा कुछ करना है। अगर पैकेज के साथ जा रहे हो आप किसी भी एजेंट के थ्रू, तो वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो आपको 400-500 डॉलर अपने साथ में रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी एजेंट इतना ईमानदार नहीं होता है जो जितना बताता है वो, तो अपनी सेफ्टी ठीक रहती है। पासपोर्ट अपना कभी भी किसी को ना दें विजिट पर जा रहे हो अगर। बाकी रसिया में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनता है, मैं आपको साफ साफ बता दूं, जैसे आर्मेनिया में सोशल कार्ड बन जाता है, ऐसे रसिया में कुछ भी नहीं बनता है। आप विजिट पर गए, आपने ब्रोकर ढूंढा, वहाँ पे ब्रोकर मनी एवरेज, अगर आप डायरेक्ट किसी सही बंदे को ढूंढते हो जो डायरेक्ट आपका काम लगवाएगा कंपनी में, तो $300-250 में लग जाता है। लेकिन किसी दूसरे के थ्रू फिर उसके पीछे कोई होगा, तो एवरेज वहाँ पे ब्रोकर मनी $500 जाती है, $500 से $600 कंपनी में। हाँ, अभी हम कहाँ जॉब पर भी बात करेंगे, रहना कंपनी दे देती है, लेकिन हॉस्टल गंदे होते हैं, तो आपको अपना ही खाना और रहना करना पड़ेगा। तो अभी बात करते हैं जॉब किस कैटेगरी में आपको मिल सकती है वहाँ पे। देखो, जॉब वहाँ पर बहुत सारी हैं, बहुत कंपनी है, आर्मेनिया की तरह नहीं है। वहाँ आपको स्पेयर पार्ट्स के हेल्पर में काम मिल जाएगा, वेयर हाउस में काम मिल जाएगा, मतलब जनरल हेल्पर जैसे मैंने बताया, लेकिन आपको अपना रूम लेना अगर तो वो बेहतर है। सैलरी पर बात करते हैं, देखो मैंने जो दो बंदे भेजे थे उन्होंने मुझे बताया वहाँ
2700 से 3000 रुबल सैलरी रहती है पैकिंग सैकिंग के काम में, जो बेयर हाउस का काम है उसमें 3200 3500 रुबल तक रहती है। सेम ही है इंडिया के बराबर, 10 पैसे का फर्क है। एवरेज आपके 70000 रुपये आई थिंक बन जाएंगे, ज़्यादा मोटा मोटा मत समझो, 50000 रुपये आप बचा सकते हो रसिया में। लेकिन वहाँ पे लीगल काम करते हो, वहाँ पे ज़्यादा बाहर नहीं घूमना है, ऐसा नहीं है कि मतलब निकल ही नहीं सकते फैक्ट्री से, तो थोड़ा कंट्रोल में रात में निकल जाओ या कहीं सुपरमार्केट में जाना है। लेकिन ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस पर आप घूमोगे या जहाँ तहाँ जहाँ पुलिस रहती है तो कभी ना कभी आपसे पूछ लेंगे, डिपोर्ट नहीं मारेंगे, आपके ऊपर फाइन मार देंगे, वो जितने का भी मारें, 50000 रूबल, 10000 रूबल, 20000 रूबल। लेकिन जब आपको बैक अपने होम कंट्री आना है, चाहे आप एक साल बाद आओ, 6 महीने बाद, 10 दिन बाद, मतलब ओवर स्टे के 2 दिन बाद, तो आपको 10000 रूबल फाइन देना है, या फिर 8000 भी ले लेते हैं, कभी 7000 भी ले लेते हैं, 10000 एवरेज मान के चलो इंडिया के रूप में आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। डिपोर्ट की मोहर नहीं लगाते हैं, अगर आप फाइन नहीं भरोगे तो वहाँ डिपोर्ट होकर जा सकते हो, सेम आर्मेनिया की तरह। अगर यहाँ भी आपके पास फ़ाइन के पैसे नहीं है तो आप डिपोर्ट की मोहर लगवा के जा सकते हो, हो सकता है बैन कर दें आपको, दोबारा आप एंट्री ना ले सको। तो मेरे हिसाब से फ़ाइन भर के ही जाओ किसी भी कंट्री में आप इलीगल हो। अभी बात करते हैं आप आगे कैसे जा सकते हो। देखो, तीन कंट्री में आपको बताऊँगा जिससे जो सबसे बेस्ट है आपको शेंगेन में या यूरोप में घुसने के लिए, टर्की, रसिया और मोरक्को, ठीक है। ये तीन कंट्री से बंदे इजीली जाते हैं क्योंकि इंडियन यहाँ आसानी से पहुँच जाते हैं। आवाज़ पता नहीं कैसी आती होगी, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा ज़ोर से बोलूँ। तो रसिया से देखो आप बेलारूस से पोलैंड और जर्मनी, इटली, मेरे पास भी गेम है रसिया से इटली और जर्मनी की, लेकिन अभी कोई सिक्योरिटी नहीं है, मैं अभी नहीं डालूंगा, लेकिन आगे चल के मैं आपको बता दूंगा। मैं भी प्लान कर रहा हूँ रसिया ही जाऊँगा जहाँ तक है, 2-4 बंदे और भेज दूँ ताकि और भी कुछ सीखने को मिले। तो रसिया से आप आगे जा सकते हो, नॉर्वे भी जा सकते हो, वहाँ से डोंकी मार्क लीगल, कहीं भी नहीं जा सकते आप रसिया में। हाँ, और रही बात वीज़ा चेंज की या एक्सटेंड की, तो रसिया में वीज़ा चेंज नहीं होगा ना ही एक्सटेंड होगा, जहाँ आप काम कर रहे हो वो कंपनी चाहेगी अगर तो आपका वीज़ा शायद आपको वर्क परमिट दे दे, नहीं तो मोस्टली नहीं मिलता है, तो आप इलीगली काम करोगे वहाँ। तो सारा कुछ क्लियर कर दिया होगा मैंने, वीडियो लंबी हो गई तो कुछ भी रह गया हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।